निर्गमन अध्याय 20 निर्गमन अध्याय 20 तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो क्योंकि छह दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए तू खून न करना तू व्यभिचार न करना तू चोरी न करना तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना तू किसी के घर का लालच न करना न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी व बैल गधे का न किसी की किसी वस्तु का लालच करना और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगी के शब्द सुनते रहे और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर तब तो हम सुन सकेंगे परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे ऐसा न हो कि हम मर जाए मूसा ने लोगों से कहा डरो मत क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था तब यहोवा ने मूसा से कहा तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैं न तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को न गढ़ लेना मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होमबलि और मेलबलि को उस पर चढ़ाना जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तू उसे अशुद्ध कर देगा और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े